नमस्कार मित्रों, एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैज्ञानिक विधि से प्याज की खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक व्यापारिक फसल है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये कंद के लिए द्विवर्षी है, पर परागण वाली फसल है, शाक की फसल कंद की फसल है। कंद उत्पादन के लिए इसको एक वर्ष या 6 महीने लग जाते हैं और बीज उत्पादन के लिए 6 महीने अलग से लगते हैं, इसलिए इसको द्विवर्षीय फसल की श्रेणी में रखा गया है। संसार में उगाई जाने वाली 15 विशेष फसलों में प्याज का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आलू, दूसरे पर प्याज, तीसरे पर टमाटर आता है। खेती इसकी टेम्परेचर से लेकर के ट्रॉपिकल तक की जा सकती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाला पड़ता हो वहाँ पर खेती प्रभावित होती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल उत्पादन का 70% विदेशों को प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है, और इससे लगभग 300 करोड़ रुपए की आमदनी विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। प्याज वनस्पति कुल के हिसाब से एलियम सिपा इसका बॉटनिकल नेम है, और ये एलिएसी फैमिली का पौधा है। इस वर्तमान में इसको एलिएसी कहते हैं, पहले ये अमाइलेडिस था और उसके पहले लिलियसी था। गुणसूत्र के हिसाब से इसमें क्रोमोजोम 16 पाए जाते हैं, और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी मध्य एशिया से हुई है। उत्पत्ति एवं इतिहास के संबंध में इसके अनेकों मत हैं। डिकेंडोल 1886 के अनुसार अनेक वैज्ञानिकों ने उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर इनको एकत्र किया, जो जंगली पौधे इसके पाए गए थे, और उनको स्वतंत्र रूप से उन्होंने इनकी खेती की, और उसके बाद उनमें सेलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। और पश्चिमी एशिया में फलस्तीन, कश्मीरी पहाड़ी क्षेत्र इसके डिकेंडोल के अनुसार इसका उत्पत्ति स्थान है। बेबी लोग 1951 के अनुसार पाकिस्तान कश्मीरी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। जोन्स अरमान के 1963 के अनुसार पाकिस्तान, ईरान, उत्तरी पर्वतमाला, कश्मीरी क्षेत्र इसके उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं। कुछ लेखकों का मत है कि प्याज और लहसुन की खेती औषधीय गुणों के कारण आदिकाल से प्रचलित है। इसका उल्लेख बाइबल और कुरान में भी मिलता है, जो मिस्र में पाई गई थी। और सबसे पहले लीनियस ने 1753 में पहली बार, जो वो प्लांटेरम नामक एक पुस्तक लिख रहे थे, उसमें प्याज का जिक्र किया है। प्राचीन साहित्य बाइबल और कुरान में इसका वर्णन मिलता है, और लिखा है कि जो गरीब लोग थे वो इसको भोजन के रूप में खाया करते थे, और इसको स्टेपल फूड के रूप में इसकी अपनाया गया था। कंद के अनुसार प्याज का वर्णन एलियम सीपा, वैरायटी सीपा, लीनियस के द्वारा इसके कुछ प्रजातियां बताई गई हैं। इसमें बहुगिनती है, गुच्छे वाली होती हैं। एलियम सीपा वैरायटी एग्रीगेटम इसको जी डॉन ने बताया। एलियम सीपा वैरायटी बल्बीफेरम इसको रीगल ने बताया। एलियम सीपा वैरायटी मल्टीफेरम इसको एल एस वेली ने बताया। एलियम सीपा वैरायटी प्रोलीफेरम रीगल द्वारा, पोटैटो अनियन भी कहते हैं इसको। एलियम सीपा वैरायटी सोलेनम एक लेफ के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। एलियम सीपा वैरायटी वीवीफेरम मेटस टॉप ट्री या अनियन ट्री, जो ऊपर गुच्छे के रूप में आती है, जहाँ पुष्प होते हैं वहीं पर इसके छोटे छोटे बल्ब रेड तैयार हो जाते हैं और ये उसमें जम जाते हैं बीज। भारत में प्याज टमाटर आलू का उत्पादन के हिसाब से इस टेबल में दिखाया गया है। इसमें आंकड़े के हिसाब से देखिए आप, 2012-13 में प्याज का स्थान तीसरा था, परंतु 2015-16 और 2016-17 में प्याज दूसरे स्थान पर, टमाटर तीसरे स्थान पर और आलू प्रथम स्थान पर है। AFO के अनुसार संसार की 15 विशेष फसलों में इसका दूसरा स्थान है, और प्याज का अंग्रेजी नाम ऑनियन सामान्यतः 1703 ईस्वी में गल्फ ऑफ श्योर के पास बनाए गए शहर ओनिया के नाम पर आधारित है। इसमें बहुत सारे गुण प्याज में पाए जाते हैं। इसमें फिनॉल्स फिनॉल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर है, एंटी ऑक्सीडेंट है इसके अंदर,
एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह से काम करता है। प्याज के छिकल का जो रंग है वो कोरेसिटीन नामक कंपाउंड के कारण होता है, और इसमें तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। इसके अलावा इसमें कैटकॉल और पेटोकैटिचुक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। निर्यात के हिसाब से इसका निर्यात दुबई, मलेशिया, रूस, कुवैत, श्रीलंका, सिंगापुर, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों को किया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से प्याज का उगाने का सबसे बड़ा श्रेय क्षेत्र चीन में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतवर्ष आता है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे पर ईरान। इस तरह से इस टेबल में दिखाए गए हैं। इसमें उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्रफल को दिखाया गया है 2013-14 और 15-16 का आंकड़ा इसमें दिया गया है। भारत में प्याज का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता इसमें 2012-13 में 1,51.53 हजार हेक्टेयर, और इससे उत्पादन 16,813 हजार मीट्रिक टन मिला, जिसकी उत्पादकता 15.99 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो 2015-16 में बढ़कर 1,320 हजार हेक्टेयर 29,931 हजार मीट्रिक टन और 15.86 इसकी उत्पादकता है। NHB 2018 फरवरी के अनुसार उन्होंने थर्ड एस्टिमेट दिया है, जिसमें 16-17 में प्याज का अनुमानित क्षेत्र 1,293 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 21,718 हजार मीट्रिक टन, उत्पादकता 16.8 दर्शाई गई है। प्रमुख राज्यों में सबसे ज़्यादा खेती इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में की जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र सबसे आगे है, उत्पादन में भी सबसे आगे है। उत्पादकता में सबसे ज़्यादा उत्पादकता मध्य प्रदेश की है, 24.09 टन प्रति हेक्टेयर। उसके बाद दूसरा स्थान बिहार का है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो ये 12, 13, 14, 14, 15 का आंकड़ा इस टेबल में दिखाया गया है। प्याज की कंदों का निर्यात 2017 में नीदरलैंड, मेक्सिको, भारत, चीन, अमेरिका और स्पेन, इन्होंने प्याज का निर्यात किया, जैसे कि मात्रा इसमें दी गई है। इसमें नीदरलैंड का टोटल निर्यात का 17.5% शेयर है, मेक्सिको का 12.4% और भारत इसमें तीसरे स्थान पर 11.5%। पोषक तत्वों के हिसाब से प्याज में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें 51 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में, 87.5% जल पाया जाता है, कार्बो 11.8, प्रोटीन 1.4, वसा 0.1। इसके हिसाब से इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं। प्याज की कंदों का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, सब्जी बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, मसाले बनाने के लिए, सॉस अचार, मांस मछली को स्वादिष्ट बनाने के लिए। औषधीय गुण इसके रखे हैं और निर्यात के लिए इसको उगाया जाता है। औषधीय गुणों में प्याज का अर्क कान दर्द में विशेष फायदा करता है, प्याज पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है, भूख बढ़ाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये जन अंगों को सुचारू रूप से चलाने में काम करता है। ग्रीष्म काल में लू से बचाने में प्याज मदद करता है, आँखों की ज्योति बढ़ाने में करता है, बर या ततैया बिच्छू के डंक मारने पर इसका रस लगा दिया जाए तो उससे रोगी को फायदा होता है, और कंदों का रस त्वचा रोगों में भी लाभ के लिए। इस प्रकार से आयुर्वेद की जो चरक संहिता है उस किताब में इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। जलवायु के हिसाब से यह शीतोष्ण से लेकर उष्णकटिबंधीय या टेम्परेचर से ट्रॉपिकल तक खेती जा सकती है। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए इसको ठंडा जलवायु की आवश्यकता होती है। कंदों के विकास के लिए गर्म और तर जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि पौधों की वृद्धि के लिए ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, कंद बनने के लिए 20 से 25 डिग्री
सेल्सियस तापमान चाहिए और बीज व्रंथ बनने के लिए 12.8 से 21.0 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। पाले से प्याज की फसल को विशेष हानि नहीं होती बल्कि अधिक तापमान पर पराग क्रिया प्रभावित होती है। पराग सूख जाते हैं जिससे निषेचन क्रिया बाधित हो जाती है। अतः अनुकूल तापमान 55 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट से लेकर 75 डिग्री फारेनहाइट तक अनुकूल पाया गया है। कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर 1500 से 2100 मीटर की ऊंचाई तक अप्रैल के लेकर अगस्त तक इसको बारानी खेती के रूप में पहाड़ों पर उगाया जाता है। पुष्पन क्रिया के समय वातावरण का तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए और वातावरणीय तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की दिशा में इसके परागकण सूख जाते हैं। जिन स्थानों पर 75 से 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर प्याज की फसल बारानी फसल के रूप में अच्छी नहीं होती है। अच्छी पैदावार हेतु वातावरण अधिकतम तापमान 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए। अनुकूल तापमान 60 से 70 डिग्री फारेनहाइट इसके लिए उपयुक्त है। औसतन 10 घंटे इसको धूप मिलनी चाहिए जिसमें 70% आपेक्षिक आर्द्रता वातावरण में होनी चाहिए और उच्चतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और लंबे दिवस कंद निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अब बात आती है कि भूमि कैसी होनी चाहिए। तो प्याज एक कंद वर्गीय फसल है जो खाने वाला भाग होता है। ये मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हम बल्ब कहते हैं। तो इसके बढ़वार के लिए कंदों की बढ़वार के लिए सलकंद कहते हैं इसको। सलकंद की बढ़वार के लिए हमको हल्की भूमि चाहिए। तो जो आपकी बलुई या बलुई भूमि होती है बलुई दोमट इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसका पीएच मान 5.8 से 7.8 के मध्य में होना तो अधिक उपयुक्त होती है। 7.8 से अधिक पीएच होने पर इसकी खेती प्रभावित होती है। भूमि में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और भारी भूमि में प्याज के कंद उत्पादन हेतु उचित मात्रा में गोबर की खाद का कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके फसल ली जा सकती है। लेकिन इसमें नमी अधिक होने की वजह से पौधे की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है और कंद छोटे आकार के बनते हैं और कभी कभी भारी अधिक नमी की वजह से कंद सड़ने की संभावना भी बनी रहती है। पौधा छोटा और कमजोर रहता है और इसके कारण कंद छोटा होता है। खेत का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में जल स्रोत के निकट होना चाहिए, खरपतवार रहित होना चाहिए, उसमें कोई खरपतवार नहीं हो, जल निकास अच्छा हो, भूमि अधिक भारी या अधिक बलुई ना हो और जंगली जानवरों से खेत सुरक्षित होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा वृक्ष अथवा इमारत उस खेत के आसपास नहीं होना चाहिए। ये सारे जो गुण बताए गए हैं विशेष रूप से जहाँ आप पौधशाला बनाते हैं उसके लिए हैं कि पौधशाला जब आप बनाएं तो ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें ये सारे गुण मौजूद हों, किसी बीमारी से ग्रसित न हो, कीट पतंगों का अधिक प्रकोप न हो, ऐसा खेत का चुनाव आप पौधशाला के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है खाद तथा उर्वरक की। तो कंद उत्पादन हेतु मिट्टी की जांच करा लें और जांच के अनुसार जो परिणाम आए उसके अनुसार यदि खाद आप देंगे तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा। सामान्यतः यदि आपके पास मृदा की जाँच की सुविधा नहीं है तो गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से रोपाई से 20-25 दिन पहले खेत में मिला दें। अच्छी तरह से जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लें। उसके बाद उसमें नत्रजन 90 से 100 किलोग्राम संस्तुति की गई, बहुत सारे परीक्षण हुए हैं और ये पाया गया है कि ज़्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से भंडारण करते समय कंद खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको 90 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश आदि नतीजन और संपूर्ण फास्फोरस और पोटाश को अंतिम जुताई के समय खेत में डाल दीजिए और बची हुई नाइट्रोजन को दो भागों में बांट करके चौथाई भाग पौधरोपण के 30-35-40 दिन की अवस्था पर और शेष बची हुई नाइट्रोजन को 55-65 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर सकते हैं। यदि फिर भी आप देखते हैं कि पौधे हमारे कमजोर हैं, पीले हो रहे हैं, तो 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके पौधे काफ़ी चिकने होते हैं और जैसे आप दवा डालते हैं तो दवा चिकनाहट होने की वजह से बह जाती है, इसलिए घोल बनाते समय उसमें थोड़ा सा सैंडोविट
या सर्प का चूरा अवश्य मिलाएं। अब प्रजातियों का वर्गीकरण दिया गया मौसम के अनुसार। ये प्याज एक कंदीय और बहुकंदीय वाली होती है। एक कंदी वाली में रवि या शीत ऋतु में उगाई जाने वाली, खरीफ या बरसात ऋतु में उगाई जाने वाली और ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली, ये तीन प्रकार की होती है जो एक कंद वाली होती है। और एक कंद बहुकंदी ऐसी होती है जिनमें कि एक ही गांठ में छोटे छोटे बहुत सारी गांठें होती हैं, इसको बहुकंदी भी कहते हैं। जिसकी कुछ प्रजातियाँ कोयम्बटूर वन, कोयम्बटूर दो, कोयम्बटूर तीन, कोयम्बटूर चार, एग्रीफाउंड रेड, MDU1 आदि प्रचलित हैं। इसके अलावा दो सर्प कंद के रंग के अनुसार भी बांटा गया है, जिसमें सफ़ेद रंग वाली कापर या तामई रंग की, लाल रंग की, गहरे लाल रंग की या गुलाबी और पीले रंग की। इस सारणी में दिखाया गया है कि इसमें कापर या तामई रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्णन है और इसमें लाल, श्वेत, सफ़ेद रंग की भी, गहरी लाल और पीतांबरी लाल के हिसाब से बनाई गई हैं। इसमें आपकी पंजाब सेलेक्शन N24S1, नासिक रेड, उदयपुर 101, उदयपुर 103, VL67, इनके कापरी या तांबरी जैसे रंग कलर होते हैं। कल्याणपुर लाल रेड राउंड, पटना रेड, हिसार 2, अर्का निकेतन, VL3, भीमा रेड, भीमा किरण, भीमा शक्ति, ये सब लाल छिलके वाली हैं। सफ़ेद छिलके वाली में पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, भीमा श्वेता, पंजाब 48, उदयपुर 101, पटना सफ़ेद, एग्री फाउंड डार्क रेड, कंट्री वाइट, पंजाब वाइट, गहरे लाल में पूसा रतनार, पूसा माधवी, भीमा राज, अर्का प्रगति, स्वीट स्पेनिश, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड रोज, सीमा डार्क रेड, अर्का कल्याण, पीले वालों में अर्ली ग्रेनो, येलो ग्लो, ब्राउन स्पेनिश, अर्का पीताम्बर, परमुदा येलो, फूले स्वर्णा आदि किस्में हैं जिनको इसमें वर्णित किया गया है। इसके अलावा ये दूसरी एक्टिव उसी कंटिन्यूस टेबल है, इसमें बहुत सारी प्रजातियों का वर्णन किया गया है, ये दी गई है। इसके इसमें अर्का लालिमा लाल रंग की शक्ल वाली है। प्याज की फसलें और प्रजातियाँ, ये खरीफ वर्षा काल के लिए प्रजाति आपकी NEFIT 53, N404, अर्का पीताम्बर, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति और भीमा सुपर खरीफ सीजन के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। रबी सीजन के लिए आपकी लगभग सारी प्रजातियाँ, जिसमें पूसा रेड, पूसा माधवी, पंजाब सेलेक्शन, पूसा रतनार, अर्का बिंदु आदि किस्में हैं। ग्रीष्म काल या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ब्राउन स्पेनिश, क्रीम गोल्ड, वाइट स्पेनिश, क्रियोल रेड, और जो आप हरी प्याज की खेती करते हैं तो उसके लिए अर्ली ग्रेनो और ये ब्राउन स्पेनिश ज़्यादा उपयुक्त हैं। बीज की मात्रा, एक हेक्टेयर खेत में बुआई करने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो 18 से 20 कुंटल बीज बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी। अब पौध तैयार करने के लिए जो जिस तरह से हम प्याज की, गोभी की पौध डालते हैं, उसी तरह से प्याज की भी पौध डाली जाती है। जैसे पहले टमाटर के संबंध में बताया गया है, पौधशाला में आप पौधशाला तैयार करिए। पौधशाला में क्यारी जमीन से उठी हुई बनाएं, 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, और उसमें फिर आप गोबर की खाद, कीटनाशक दवा मिला करके, उसके सौरीकरण करके, सब कुछ तैयार करके उसमें बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज उपचार अवश्य करिए, क्योंकि बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। यदि बीज उपचार आपने ठीक से कर लिया है तो 75% बीमारियों की समस्या आपकी दूर हो जाती है। और बीज का उपचार हम कई प्रकार से कर सकते हैं। कवकनाशी दवा के द्वारा, जिसमें कैप्टान है, थायराम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप मिला करके बीज की बुआई कर सकते हैं। गर्म जल 55 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में बीज को पोटली बांध करके आधा घंटे के लिए डुबो के रखें, उसके बाद छाया में सुखा के बीज की बुआई करें, और उसके बाद कवकनाशी दवा से उपचार कर लें। यदि कवकनाशी दवा नहीं मिलती है तो ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला करके भी इसकी हम बीज को उपचारित कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपने ट्राइकोडर्मा से उपचार कर रखा है तो आपको क्यारी में, पौधशाला की जो क्यारी है उसमें, या आपको बीज में कोई भी कवकनाशी दवा नहीं मिलानी है। विभिन्न राज्यों में बीज बोने और पौधे रोपने का समय इसमें टेबल में दिखाया गया है।
जैसे उदाहरण के लिए राज्य आंध्र प्रदेश है, इसमें अक्टूबर नवंबर में बीज बोया जाता है, दिसंबर जनवरी में पौध लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में मध्य दिसंबर से जनवरी तक और पौधरोपण जनवरी से फरवरी में किया जाता है। महाराष्ट्र में अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक और दिसंबर जनवरी में पौधे की रोपाई करते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से मध्य नवंबर तक और मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक इसकी भी रोपाई करते हैं। यदि 15 दिसंबर से पहले रोपाई कर देते हैं तो उसमें बीज गंध जल्दी निकल आते हैं, इससे गंध की गुणवत्ता या क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और 15 जनवरी के बाद यदि आप रोपाई करते हैं तो कंद का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि पौधे को विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसलिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का जो एक माह का समय है, इसमें आप पौधे की रोपाई करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार प्राप्त करेगी। ये नर्सरी का लेआउट दिखाया गया, किस तरह से आप नर्सरी बनाएंगे। 1 मीटर चौड़ी, 6 इंच उठी हुई और उसके 2 क्यारियों के बीच में इरीगेशन चैनल होनी चाहिए, पाथ होना चाहिए घूमने के लिए, और आप इस चैनल में बैठ करके इस खेत क्यारी की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ये सौरीकरण का दिखाया गया कि सौरीकरण किस तरह से करते हैं। अप्रैल मई के महीने में 1.5 महीने के लिए आप क्यारी को तैयार करके और एक पॉलीथीन की चादर से उसको पूरी तरह से ढक देते हैं, तो दिन में मंथन की क्रिया के द्वारा तापमान बढ़ता है, रात को कम होता है, और इस तरह से इसके अंदर से जितने भी स्पोर्ट्स, फंगस, बैक्टीरिया और एक वर्ष खरपतवार होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और सौरीकरण के बाद ऐसा पाया गया है कि हम 3-4 फसलें बिना किसी कवकनाशी के उपचार किए भी ले सकते हैं, क्योंकि आद्रीकरण का प्रभाव सौरीकरण के बाद नहीं होता है या बहुत कम होता है। ये इसमें दिखाया गया है कि पौधशाला में आपको गोबर की खाद मिलानी है तो इसमें 2 से 3 किलो प्रत्येक वर्ग मीटर के हिसाब से आप गोबर की खाद मिला करके उसे अच्छी तरह से मिट्टी मिला दीजिए, और गोबर की खाद जितनी बारीक होगी उतनी ही आपका क्यारी अच्छी तैयार होगी। ये प्याज का बीज दिखाया गया है किस तरह से बीज होगी। ये बीज आप लेकर के इसको कवकनाशी दवा से उपचार करके तब इसकी बुआई करें। ये क्यारी किस तरह से तैयार की जाती है, क्यारी की तैयारी के विषय में ये बताया जा रहा है। क्यारी बना करके उसको समतल लिखा है, बेड प्रिपरेशन लिखा हुआ है, इसमें बेड प्रिपरेशन की जा रही है। ये आपको बीज दिखाया जा रहा है किस तरह से प्याज का बीज होता है और इसको किस तरह से जब आप पॉटिंग प्लग में अगर बोना चाहते हैं तो आप पॉटिंग प्लग में 1 भाग मिट्टी, 2 भाग बालू और 1 भाग गोबर की खाद मिला करके उसको आप भर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक एक खाने की लाइनें बनाकर बीज की बुआई कर देते हैं। ये पलवार दिखाया, बीज बोने के बाद में पलवार डालना बहुत आवश्यक है। पलवार के लिए आप ये कांस या गन्ने की सूखी पत्ती होती है उसका प्रयोग करते हैं, और ये आपको दिखाया गया है कि इसमें ये पड़ा हुआ है पलवार के रूप में। और इसको हटाने के जब ये पौधे उगने लगते हैं तो इसको हमेशा शाम के समय पर ही हटाना चाहिए, तेज़ धूप में कभी इसको नहीं हटाना चाहिए। ये पलवार के बाद बीज का अंकुरण ठीक से नहीं होता है तो ऊपर से भी पॉलीथीन की चादर, पहले आपने कांस की पलवार डाल दिया उसके ऊपर से पॉलीथीन की चादर डाल दें, जिससे तापमान को बनाए रखता है और पौधों को उगने में मदद करता है, जिससे कि बीज आराम से उग सकें, उसको पर्याप्त तापमान मिल जाता है। ये पौधशाला में निराई किस तरह से की जाती है उसके बारे में दिखाया गया है। दो मजदूर में यहाँ बैठ करके इसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। अब पौधरोपण का समय, कतार से कतार की दूरी और रोपण की दूरी कितनी होनी चाहिए इसको दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाते हैं और 10 सेंटीमीटर पर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। और उत्तरी भारत के मैदानी, जैसा मैंने आपको बताया था, दिसंबर से मध्य जनवरी तक होना चाहिए। भावर में इसको दिसंबर से मध्य जनवरी, तराई क्षेत्र में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, और इसकी तराई क्षेत्र में बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है तो फसल आपको अच्छी मिलती है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में इसकी बुआई करके और तैयार करके रोपाई की जाती है। कुछ वृद्धि नियामकों का प्रयोग भी इसमें लाभकारी पाया है। GA3 10 से 20 PPM का घोल बना करके पौधशाला से जब आप पौध उखाड़ते हैं तो उसके बाद में इसको 10 से 20 PM का घोल बना करके उसमें 15-20 मिनट के लिए जड़ों को डुबो कर रखिए। इसके अलावा आप NAA का घोल बना करके उसमें
10 से 20 मिलीग्राम प्रति लीटर घोल बना करके और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए जड़ों को डुबो कर रख सकते हैं। लेकिन ये है कि पौधशाला से जब आप पौध उखाड़ते हैं तो जड़ों को मिट्टी होती है, उस मिट्टी को पहले आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद तब फिर आप इस नियामकों का प्रयोग करें तो ज़्यादा लाभकारी होता है। इसमें आइए इंडोल एसिटिक एसिड 10 से 20 PPM का घोल भी हम इनके प्रयोग से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और इसकी पैदावार में भी 15 से 20% की वृद्धि पाई गई है। एक MH है, ये भी एक वृद्धि नियामक है। इसका प्रयोग भंडारण के लिए किया जाता है। जब पौधे आपके कंद तैयार हो जाते हैं तो खुदाई से 15 दिन पहले 2500 PPM का घोल बना करके इसका छिड़काव पौधों पर किया जाता है और उसके 15 दिन बाद पौधे से भूमि से कंदों को उखाड़ लिया जाता है और उसके बाद फिर कंदों को भंडारण करते हैं तो वो लंबे समय तक भंडार किए जा सकते हैं। अब बात आती है सिंचाई। सिंचाई से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब आप पौधशाला से पौध उखाड़ते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि आप जो समान आकार के पौधे हैं उनको छांट करके एक जगह कर लें और पौध उखाड़ने से एक दिन पहले उसमें पौधशाला में पानी लगा दें जिससे कि उखाड़ने में पौधों को आसानी हो। लगभग 1 किलो बीज में 1,000 पौधे आते हैं तो उस हिसाब से आप ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा मोटी पौधे होने चाहिए। कभी कभी आपने बाजार में देखा होगा पौध लेते समय प्याज की जो पौधा है उसमें छोटी गांठ बन जाती है तो वो आपके हिसाब से ग्रोअर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। जो बेचने वाला है उसके लिए तो फायदा हो जाएगा क्योंकि उसका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि उस पौधे का जो है विकास नर्सरी में ही हो चुका है और वहाँ कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो उसकी वृद्धि कम होगी और उसमें कंद छोटे आकार के बनेंगे। इसलिए पौध लेते समय आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब आप बाजार से पौध खरीदते हैं किसी वजह से तो उसमें बहुत बड़ी गांठ नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो आप अपनी पौधशाला में पौध तैयार करिए और जब उसमें 5-6 पत्ती आ जाती हैं तो उसके बाद पौधों को उखाड़ करके आप पौधशाला में, और ये लगभग आप बीज बोते हैं तो उसके 1.5 महीने बाद पौध तैयार हो जाती है और उसके बाद इसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। सिंचाई जहाँ तक सवाल है, इसकी उथली जड़ों वाली फसल है, इसको 15-1 इंच सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें 30 सेंटीमीटर गहराई तक नीचे जाती हैं और ये मृदा और मौसम के अनुसार पर भी निर्भर करता है कि आपका मौसम वहाँ पर किस तरह का है। शीतकाल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और ग्रीष्म काल में प्रत्येक सप्ताह करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा नहीं होती है उस समय हम इसकी सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है और ये अंतराल हमारा 12 से 15 दिन का हो सकता है। रबी की या शीत की ऋतु में 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। इसमें 12 से 15 सिंचाइयाँ होती हैं और 10 से 12 दिन के अंतराल पर कर सक किया सकती है। ग्रीष्म काल में 15 से 20 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक सप्ताह करने 7-8 दिन की अवस्था पर इसमें प्रत्येक सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए। ये दिखाया गया फसल आपकी ये लगी हुई है, ये पूसा मालवी की फसल है। अब प्याज में खरपतवार नियंत्रण की बात आती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निराई गुड़ाई करें और ये चूँकि सैलो रूटेड है इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं आती हैं इसीलिए खुरपी की मदद से इसमें हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और यदि आप लार्ज स्केल पर इसकी खेती कर रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर या लासो नामक दवा इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें 2.5 किलोग्राम सक्रिय अवयव या 5 लीटर ये आपका लासो ले लीजिए और उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके पौध की रोपाई से पहले और खेत तैयार करने के बाद इसकी आप छिड़काव कर दीजिए और छिड़काव करने के बाद फिर पौध की रोपाई कर दीजिए और फिर हल्की सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको 20-25 दिन तक किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई नहीं करनी है। कसर क्रियाएँ कौन कौन सी आपको करनी है, इसमें पुनः रोपण। कुछ पौधे आपके रोपण के बाद में मर जाते हैं 5 से 10%, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो पौधे हैं आपके पास अच्छा हो कि पौध रोपण के समय आप क्यारी से पौध ना ला करके उन पौध लगाते समय पौध की रोपण करते समय खेत में ही कहीं पर पौध थोड़ी सी रख दें और उस पौध को फिर जहाँ जहाँ पौधे मर जाते हैं उसकी जगह पर उनकी पुनः प्रत्यारोपण कर दें। उसके बाद में जबकि इसके कर
कंद बनने का टाइम होता है तो उसमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है, और ख़ास तौर से जो बीज वाली फसल होती है उसमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हवा के तेज़ प्रभाव से जब हवा का ज़्याला होता है तो पौधे गिर जाते हैं। पलवार का प्रयोग भी लाभकारी पाया गया है, यदि आप पौधशाला में इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी फायदा होता है। खेत में भी दो कतारों के बीच में जो जगह होती है उसकी, उसमें इसको बजा सकते हैं, लेकिन इसमें गन्ने की पत्ती होती है, इसका हल्का परवार का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी फायदेमंद होता है। टॉप ड्रेसिंग के बाद हल्की सी निराई गुड़ाई करें, सिंचाई करें, और उसके बाद इसमें परवार का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक क्रिया होती है टॉपलिंग, जब आपके कंद तैयार होने लगते हैं तो उस समय एक दो पत्ता उसके गिरने शुरू प्रारंभ कर देते हैं, और जब प्रजाति के अनुसार उसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको रोपाई से लेकर के कंद बनने तक लगभग 120 से 25 दिन का समय लग जाता है, तो उस समय जो नमी होती है कंद के अंदर उसको सुखाने के लिए पौधे को पैरों के द्वारा कुचल दिया जाता है, जैसे क्रिया को टॉपलिंग कहते हैं, और टॉपलिंग करने से पौधा आपका धीरे धीरे फिर सूखना शुरू कर देगा, और जब पूरी तरह से ऊपर वाले भाग पत्तियों वाला भाग सूख जाता है उसके बाद फिर इनकी खुदाई कर ली जाती है तो इनकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। और जब पौधे जो उखाड़ते हैं आप कंदों को खाने के बाद फिर उनको छटाई करें, और छटाई करने के बाद उनको छाया में सुखाएं, और छाया में एक दो लहर में इसको एक जो तह बना करके, ज़्यादा बहुत बड़ा ढेर नहीं लगाना चाहिए, उसमें जितने भी सड़े गले कंद हैं उनको निकाल के बाहर कर दें, और उसके बाद जितना इसको आप अच्छे ढंग से सुखा लेंगे उतना ही आपका भंडारण क्षमता अधिक होगी। और भंडारण के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की प्याज का छांटे जिसमें कि उसकी नैरो नेक यानी कि पतली गर्दन वाली जितनी प्याज होगी कंद उतना ही उसकी भंडारण क्षमता अधिक होगी। एक बात, दूसरी बात, जिन कंदों में या जिन प्रजातियों में इसके जो तीखापन ज़्यादा होता है या TSH की मात्रा ज़्यादा होती है उनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। ये कंद उत्पादन के लिए फसल लगाई गई है। खरपतवार नियंत्रण मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें हल्की निराई गुड़ाई करें, लाशों का प्रयोग कर सकते हैं आप, और कंद रोपण के बाद उगते हुए लाखों आप डाल सकते हैं, एक वर्ष खरपतवारों को इससे रोका जा सकता है। उसके बाद है टॉपलिंग, मैंने जैसा अभी बताया आपको, खुदाई, जब पौधे आपके पूरी तरह से सूख जाते हैं प्रजाति के अनुसार तो उसके बाद इनको मई, यदि आपने रोपाई 15 दिसंबर के बाद की है तो आपके 15 मई के बाद आपकी फसल तैयार हो जाती है, और खुदाई के लिए आप पौधे कंदों को पहले सूखने दीजिए खेत में, जैसे टॉपलिंग के बाद ये पत्तियों का ऊपरी भाग सूख जाता है तो उसके बाद फिर आप इसकी खुदाई करें, और खुदाई करने के बाद फिर प्याज को छांट करके आप भंडार कर सकते हैं। पैदावार इसकी आपके कर्षण क्रियाओं के आधार पर निर्भर करती है कि आपने कौन सी कर्षण क्रिया करके, आपने समय से उसकी बुआई की है, समय से खाद डाला है, समय से निराई गुड़ाई की है, तो आप उसके हिसाब से पैदावार ले सकते हैं। सामान्यतः औसतन पैदावार 300 से 400 कुंटल प्रजाति की हो जाती है, और बीज की बराबर 3 से 4 कुंटल पैदा होती है। सामान्य ताप पर प्याज के कंदों को ठंडा और सूखे वातावरण में जहाँ पर कि हवा का आवागमन अच्छा हो लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है, और पतली गर्दन के कंदों का ही आप छांट करें, और जितने भी सड़े गले या ग्रसित बीमारी से ग्रसित कीड़े से कटे हुए या किसी मैकेनिक में इंजरी हो गई है उस तरह के जो कंद हैं उनको निकाल के बाहर कर दें, और खेत में 2500 PPM का, जैसे मैंने आपको बताया, मैलिक हाइड्रेट का स्प्रे भंडारण से पूर्व कर देते हैं तो आप कंदों को सुरक्षित रख सकते हैं। शीत भंडार गृह में इसको 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 64% आर्द्रता के साथ 3 से 4 मास तक भंडारित कर सकते हैं। अब ये कुछ पुरानी विधियां हैं, इसमें प्याज के कंदों को एक बांध कर रस्सी के सहारे बांध करके किसी खम्भे या उसके छप्पर में टांग देते थे, तो ये पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है। ये दूसरा दिखाया गया कि पॉली हाउस के अंदर भी उन्होंने प्याज के कंदों को एक किसी बांस के उसके द्वारा डंठल सहित बांध करके रस्सी किनारे उनको टांग रखा है पोल से।
ये ट्रे हैं, फर्श के लिए लकड़ी की ट्रे, प्लास्टिक ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका सही नहीं है, इसमें ज़्यादा ओवर हो रहा है। इनको जहाँ तक इनका धरातल है उतना ही होना चाहिए। ये कुछ दिखाए गए हैं भंडारण के तरीके, ये ट्रे लकड़ी की ट्रे बना करके उसके अंदर रखा जाता है। और सबसे बढ़िया है कि खुले हुए झोंपड़ी में आप बांस की खपचों का एक प्लेटफार्म तैयार कर लें और उस प्लेटफार्म के ऊपर आप एक ही तह में प्याज को सुखाते हैं, तो इस तरह से सुखाने पर रखकर इसको लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें बोरे दिखाए गए हैं कि बोरे में भरा हुआ है, लेकिन बोरे में न भर के यदि आप इसका बांस का धरातल ढांचा बना करके उसके ऊपर प्याज को खुली अवस्था में रख देते हैं तो ये लंबे समय तक भंडार किया जा सकता है। एक ये इधर झोंपड़ी दिखाई लकड़ी की बनी हुई, इसका भी प्रयोग है कंद को भंडारण करने के लिए किया जाता है। इसमें ये हवा के आवागमन के लिए खिड़कियाँ भी जालीदार दिखाई गई हैं। ये बांस से बने हुए घर हैं जिनके अंदर आप प्याज को इकट्ठा कर सकते हैं, और ये चटाई से बनाया गया घर है जिसके अंदर आप प्याज के कंदों को रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनको किसी भी तरीके से आप रखें, सुरक्षित रखना चाहिए और इनको अधिक नमी से बचाना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी और हाई टेम्परेचर की वजह से इनमें स्प्राउटिंग जल्दी हो जाती है। अब बात आती है फसल सुरक्षा की, तो इसमें कीड़े भी कई लगते हैं, जिसमें थ्रिप्स जैसे थ्रिप्स टेबसाई नाम का एक कीड़ा होता है जो रस चूसता है। इसमें प्रतिरोधी किस्में आप नासिक रेड, स्पेनिश वाइट उगा सकते हैं, क्रियोल रेड में ये कम लगता है। इसके बचाव के लिए आप पौधों पर मेटासिस्टा 0.1% या इमिडाक्लोरपीड 0.1% घोल बना करके स्टिकर मिला करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3-4 छिड़काव करते हैं तो कंदों को इस कीड़े से बचा सकते हैं। माइट, इसको राइगो राइफस स्पेसीज के नाम से जाना जाता है और ये भी काफ़ी नुकसान करती है। इसमें यदि सल्फर छिड़क दिया जाता है या मेटासिस्टा 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव किया जाता है तो माइट से, या मेलाथियन दवा या इमिडाक्लोरपीड दवा, कैलामाइट के नाम से एक दवा आती है उसका भी 0.1% का घोल छिड़काव करके इससे बचा सकते हैं। मैगेट, ये एक कीड़ा होता है, उसका जो लार्वा होता है वो बहुत हानि करता है और जड़ों को काट के नुकसान करता है, तो इस समय आप हेलीमिया इसका स्पेसीज है तो इसको जब खेत में आप तैयार कर रहे हैं जब खाद डालते हैं उसी समय 15 से 20 किलोग्राम थिमिट 10 किलोग्राम और फिराडॉन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दोनों में से कोई दवा मिल जाए आप उसको खेत की तैयारी के समय पर डाल दें तो मैगेट से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब बात आती है कैटरपिलर की, तो कैटरपिलर ये बाहर से खेत में आते हैं, तो जैसे मैंने और दूसरी फसलों में आपको बताया था कि खेत के चारों तरफ आप हल्का गड्ढा खोद दीजिए 4 से 6 इंच गहरा और उसमें पानी भर दीजिए, तो कैटरपिलर जो बाहर से आते हैं वो इस खेत में नहीं आएंगे। या मेड़ों पर आप हेप्टाक्लोर धूल, BHC धूल इसका आप डाल देते हैं तो इससे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये दवा के छिड़काव से कीड़ा नहीं मरता है, इसका रोकना ही सबसे बढ़िया निदान है। प्याज में कई प्रकार के रोग लगते हैं जिसमें पर्पल ब्लॉच, अनियन स्मट, रोमेलासिता स्मच, पिंक रॉट, ब्लैक मोल्ड, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, एस्टर येलो, रेमेटोर रॉट, स्टेम फाइलम ब्लाइट, ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो कि प्याज की फसल को नुकसान करती है और इनसे बचाव के लिए आप उपाय कर सकते हैं। पर्पल ब्लॉच के लिए आप DI 45 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद रेडोमिल दवा आती है उसका 0.25% का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। अनियन स्मट, ये यूरोमाइसिटिस में जिसका एक फंगस है उसके द्वारा लगता है, और इससे बचाव के लिए भी आप DI 45 का घोल बना करके या जिनेब 0.25% का घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इससे बचा सकते हैं। कम से कम 2-3 साल का फसल चक्र अपना करके तो खेती करें। और मृदरोमल आशिता जो होती है इसमें पौधे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ही सुस्त जैसे दिखाई देते हैं, तो इससे बचाव के लिए आप
डायथेनम 45 या मैन को जीर दवा 0.25% का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो इससे आप फसल को बचा सकते हैं। और बीज का उपचार करें और प्रयोग पौधशाला में जो बीज बोते हैं तो उस समय उपचार करके ही बीज बोएंगे तो आप इस बीमारी से बचा जा सकता है। अनियन, इसमें कोलेटोट्राइकम सिरिसिनोस फंगस के द्वारा होता है और इससे बचाव के लिए आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें, कवकनाशी दवा का छिड़काव करें। पिंक रूट है जिसके अंदर जो है उसके फंगस की वजह से पौधे की पत्तियां बाहर की पीली पड़ती हैं, धीरे धीरे वो सूखना शुरू कर देती हैं और बाद में इसका प्रभाव जड़ों में काफ़ी हो जाता है, जड़ों में गांठें जैसी बन जाती हैं। ब्लैक मोल्ड, ये भंडारण में लगने वाला है, इसमें जो आपकी सफ़ेद प्रजातियाँ होती हैं वो ज़्यादा इसके लिए ससेप्टिबल हैं। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है, अर्वीनिया कैराटोबरा के लगता है और इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और उसके साथ में कापर ऑक्सीक्लोराइड दवा 0.25% का घोल मिला के और 20 PPM स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके उसका छिड़काव करते हैं तो इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। एस्टर येलो, ये विषाणु रोग है और ये थ्रिप्स और जो सफ़ेद मक्खी और जो माहू है उसके द्वारा ये फैलता है तो इससे बचाव के लिए आप कीटनाशी दवा का छिड़काव करें जिसमें मेटासिस्टर 0.1% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। निमेटोड से बचाने के लिए आप नीमीगोन डाल सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, नीम की खली डाल सकते हैं, गर्म पानी से उपचार कर सकते हैं या खेत में लकड़ी का बुराला 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं तो आप निमेटोड से बचा सकते हैं। स्टेम फाइलम ब्लाइट है, इससे बहुत सारे धब्बे जैसे आ जाते हैं तने के ऊपर और ये पहले पत्ती पर आता है फिर तने पर फैलता है उसके बाद फिर डंडल पर पहुँच जाता है। ये इससे बचाव के लिए आप ये डायथेनम 45 या मैंगोजेब का छिड़काव करेंगे तो इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फसल को विभिन्न रोगों से बचा सकते हैं। ये प्रजाति इसमें दिखाई है, पूसा रेड कंद है, ये पूसा रतनार के हैं, ये नासिक रेड है, ये पूसा माधवी की कंद दिखाए गए हैं, येलो ग्लोब पे दिखाए गए हैं, ये पूसा माधवी का कंद है। ये लीक एक फसल होती है, इसको एलियम पोरम के इसी फैमिली का है। साथियों, आशा है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है और कोई आपका प्रश्न है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेल कर सकते हैं और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकादमी पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।